सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को, और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज ये वीडियो में जो बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों को हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ज़्यादा वो सहानुभूति दिखाने की या सिंपैथी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए, आप सभी को पता होगा काफ़ी लंबे टाइम से मैं आप सभी के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ और काफ़ी टाइम से आपको अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के कुछ अजीब ही क्वेश्चन होते हैं। मतलब मैं बता नहीं सकता, अजीब ही तरीके से बोलते हैं। मतलब बोलते हैं कि पहले खुद की जॉब लगा लो फिर दूसरों को सलाह दे देना। तो भाई ये कौन सी डिक्शनरी में लिखा हुआ है, ये कौन सी जगह लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारी जॉब है तभी तुम दूसरे को कुछ एडवाइस कर सकते हो, तभी तुम किसी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। मैंने तो आज तक ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है, हो सकता है तुमने पढ़ा हो। लेकिन देखो, कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ एक जॉब पाने से ही तुम दुनिया में सब कुछ पालोगे। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो तुम्हें आने वाले टाइम में ये चीज़ पता चल जाएगी। अगर ऐसा ही होता ना तो दुनिया के सभी लोग अच्छे होते हैं। इन दोनों ही चीज़ों में बहुत बड़ा फर्क होता है कि तुम एक जॉब जरूर पालोगे लेकिन अच्छे इंसान भी बनो भाई, ठीक है। जॉब पाने के साथ साथ अगर तुम एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते ना, उस जॉब को पाने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि जॉब पाने के बाद तुम एकदम खुश रहोगे, तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जॉब से तुम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हो, ना कि आराम से पूरी ज़िंदगी में खुशी रह सकते हो। तो सबसे ज़रूरी ये है कि तुम पहले खुद में सुधार लाओ, फिर दूसरे से एक्सपेक्ट करो कि कोई ऐसे चेंजेस तुम्हारे लिए करे। तो दूसरी बात ये कि मैं आप सभी को बता दूं, आप सबको भाई अगर इतनी प्रॉब्लम होती है तो एक काम करना, जब आपकी जॉब लग जाए तो उसमें से मुझे दे दिया करना, अगर मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र है तो। हालांकि कुछ लोग सही तरीके से बोलते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता भी हूँ उन्हें। और लेकिन मैं दूसरी बात ये भी बता दूँ साथ में, अगर आप लोगों को इतनी दिक्कत है तो मैं आप सभी को बता दूँ, जितने पर ऐसे लोगों को जिसको भी दिक्कत है उसके लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, हो सकता है आप जो जॉब लोगे उससे जितना अर्न करोगे, मैं ऑलरेडी उससे बढ़िया जॉब मेरे पास है और मुझे इतनी सैलरी मिल जाती है कि मेरा काम चल जाता है, और मुझे उससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करना भी नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है। अगर सोचने की ज़रूरत है तो आप खुद सोचो कि आपको चाहिए क्या, आपकी दिक्कत क्या है। मैक्सिमम लोग तो ऐसे हैं, मतलब वो कमेंट करेंगे फिर उनका खुद का चैनल बना रखा है, 17 वीडियो अपलोड कर रखी है, 15 व्यूज हैं, दूसरे को एडवाइस देने चलेंगे, भाई तू वीडियो मत बनाया कर, बोला था ना तेज से, मतलब मैं आपको इतना ज़्यादा फॉलो करूँ, आपने बोला कि वीडियो मत बनाओ। मैंने आपसे कभी बोला कि वीडियो आके देखो? देख क्यों रहे हो जब आपको देखनी नहीं है? हालांकि ना वो किसी भी एग्जाम के कैंडिडेट हैं, ना वो कोई एग्जाम दे रहे हैं, वो यूट्यूबर हैं और इतने महान यूट्यूबर हैं, 10 वीडियो बना देंगे, 8 व्यूज आ जाते हैं और दूसरे को एडवाइस देने चल देते हैं कि भाई वीडियो मत बनाया अगर तेज से, पहले बोला था ना वीडियो ना बनाऊं। देख, वीडियो तो भाई इसी तरीके से बनती रहेंगी, कोई रोकने वाला नहीं है जब तक भाइयों का साथ है। दूसरी बात यह, अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ है तो वीडियो मत देखो, किसी ने नहीं बोला, किसी ने भी तुमसे जाके नहीं कहा कि आके यहाँ पे वीडियो देखो। अगर तुम्हें लगता है कि वीडियो अच्छी है तो वीडियो को देखो, अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पे बकवास, आपको कोई भी चीज़ नहीं बताई जाती है, सब बकवास है, तो वही मत देखो, कभी किसी ने नहीं कहा। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि जॉब हो उसी के पास ये एक्सपीरियंस हो और वही आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर पाएगा। सबसे पहली बात है कि तुम्हारी इंटेंशन क्या है, अपनी इंटेंशन खुद को देखो और खुद को समझो कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी इंटेंशन क्या है। जब तुम्हारी इंटेंशन ही गलत नहीं है तो डरने की तो जरूरत है ही नहीं, और मुझे पता है मेरी इंटेंशन गलत नहीं है, मैं किस पर्पज से वीडियोस बना रहा हूँ, तो भाई मुझे तो किसी भी प्रकार की टेंशन है नहीं। जिसे टेंशन है वो अपनी टेंशन को खुद जाके सॉर्ट आउट करो, उनकी टेंशन का इलाज कहीं पर नहीं है, और खास करके यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं है। और जितने बार ऐसे लोग हैं वो कितने भी यहाँ पर कमेंट करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इन चीज़ों का। अगर आप करते रहेंगे तो करते रहिए, मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। तो इस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि क्या बेनिफिट निकलता होगा ऐसे लोगों को जिनका किसी एग्जाम से लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी बोलते रहते हैं। कुछ लोग तो इतने ज़्यादा नेगेटिव है कि मतलब बताया नहीं जा सकता। तो सबसे अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट, तो मैक्सिमम जो लोग ज़्यादा परेशान है वो हैं यूपी पुलिस को लेके। खुद को ब्लेम करने की जगह दूसरे को ब्लेम करना भी सही नहीं है। अब देखिए, जैसे कि मैं बता दूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, जबकि मैंने कहा था मेरिट कम जाएगी, लेकिन मेरिट ज़्यादा चली गई तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये मेरी गलती है कि मेरिट ज़्यादा चली गई और उनके नंबर कम थे, उनका पेपर मैं ही तो देखे आया था, इसी वजह से उनके नंबर कम हो गए और मैंने उनको सिलेक्शन से बाहर निकलवा दिया। चलो मान लेता हूँ मेरी गलती है, लेकिन एक बात ये भी सोचना, एक बार सोच के देखना, अगर मैं बोलता कि तुम्हारी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी या सभी लोग बोलते तुम्हारी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो क्या ज़्यादा चली जाती है, कम चली जाती? दूसरी बात ये, अगर ये मैं बोलता कि आपकी जो कट ऑफ होगी बहुत ज़्यादा हाई जाएगी और आपके नंबर थोड़े कम होते,
फिजिकल के लिए आप तैयारी नहीं करते क्योंकि आपका नंबर तो आने वाला है नहीं, आप ऐसा सोच लेते क्योंकि आप मेरी सारी बातें मानते हैं। उसके बाद क्या होता कि कट ऑफ जो आपकी होती वो डाउन जाती और आपका नंबर आ जाता, तो आपने तो फिजिकल के लिए तैयारी की नहीं, आप फिजिकल में फेल हो जाते, फिर किसे ब्लेम करते, फिर भी मुझे ब्लेम करते। तो उसमें मैंने गलत आपके साथ कुछ किया नहीं था, सिंपल सी बात ये थी, मैंने आपसे कहा था मेरिट कम जाएगी, उसका रीज़न सिर्फ एक ही था कि आप अपने आगे की जो स्टेज है उसके लिए अच्छे से तैयारी कर पाएँ और अच्छे से एग्ज़ाम दें ताकि कि आपका फिजिकल आराम से निकल जाए। अगर 2-4 नंबर से अगर आप बाहर भी हो गए तो भाई देखो, इस चीज़ में अगर आप मुझे ब्लेम कर रहे हो ना तो सबसे पहले खुद को ब्लेम करो। अगर आपने इतनी अच्छे तरीके से तैयारी की होती तो 2-4 नंबर की तो बात आती नहीं। और दूसरी बात ये कि ऐसे किसी को ब्लेम करने से तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। और मैंने किसी भी, बहुत लोग बोलते हैं हम दूसरे एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाए थे, भाई नॉट ए सिंगल वीडियो आप ऐसी मुझे दिखा दो कि जिसमें मैंने आपसे बोला हो कि एक काम करो, अब आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा और अब आप पढ़ना छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल पढ़ाई मत करिए। मैंने किसी से भी ऐसा नहीं कहा, मैं हमेशा से बोलता हूँ भाई एक एग्जाम का हो गया तो क्या, आपको आगे बढ़ना है तो तैयारी तो रेगुलर करते रहिए। जैसे तैयारी कर रहे हैं अब, अगर आप एक एग्जाम दे के आए बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो जरूरी थोड़ी ना दूसरा आपका एग्जाम आ रहा है आप उसे छोड़ ही दें, आप उसकी भी तैयारी करो, फॉर्म तो आपने फिल किया ही हुआ है, एग्जाम भी आप देने जाओगे तो तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात ये, खुद को ब्लेम करने की जगह अगर आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हो तो आप खुद गलती कर रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में जितने लोगों ने जॉब पा ली है वो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं, तो एक बार जाके खुद अपने आसपास चेक कर लेना, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे पहले जॉब में लग गए होंगे, लेकिन आपके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ कि आईक्यू लेवल की या आप वो कितने इंटेलिजेंस हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा वो कितने इंटेलिजेंट है। ठीक है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने जॉब जरूर आपसे पहले पा ली है लेकिन वो आपके कंपैरिजन में कहीं आते नहीं है। तो सिंपल सी बात भाई यही है, दूसरे को ब्लेम मत करो, खुद की कमियों को देखो और उन्हें समझो, खुद एनालाइज करो और उन पे काम करो तो ज़्यादा बेटर होगा। और जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं उनका मुझे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मैं रेगुलर जैसी वीडियो बना रहा हूँ ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊँगा। जब तक मेरे भाइयों का मेरे साथ हैं तब तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे, जिसके भी डाउट क्लियर ना हुए हों, किसी को भी लग रहा हो किसी भी दिक्कत हो भाई बिल्कुल वीडियो मत देखा करो, आपके डाउट कहीं पे क्लियर नहीं होने वाले हैं। तो फिलहाल बस इतना ही, हालांकि मैं ऐसी कोई भी वीडियो नहीं बनाना चाहता था लेकिन दिमाग ख़राब इतना ज़्यादा हो गया कि मतलब ऐसे कमेंट पढ़ो तो अंदर से एक इरिटेशन होती है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दुनिया भर की फ्रस्ट्रेशन निकालने यूट्यूब पे आ जाते हैं और किसी को कुछ ही बोल देते हैं, भाई इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है तो कहीं और जाके निकालो, कुछ बड़ा करके दिखाओ, अपने आप वो फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। ये कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप अपने फ्रस्ट्रेशन किसी दूसरे पे निकालें और आप उसे फ्री हो जाएं, इतनी ज़्यादा और फ्रस्ट्रेशन होगी और हमेशा इस फ्रस्ट्रेशन में जीते रहोगे और दुखी रहोगे पूरी लाइफ। तो दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा है कि खुद की कमियों को समझो और उन पर काम करो। फिलहाल के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।